ग्लोबल लेवल पर सुपर पावर बनकर उभरने की होड़ में सभी देश एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। हालांकि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। यही कारण है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का ऊंट किस करवट कब बैठ जाए यह कहना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ बदलते वैश्विक परिवेश में विकास के मायने भी बदल रहे हैं। दशकों पहले जहां संबंध कूटनीतिक स्तर पर प्रभावी होते थे, तो वहीं मौजूदा समय में आर्थिक क्षेत्र ने इसका स्थान ले लिया है। विकसित और विकासशील देशों की धारणा को छोड़ अब संबंध आर्थिक दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं। यही कारण है कि कभी एक दूसरे के दुश्मन कहे जाने वाले राष्ट्रों के बीच साझेदारी नजर आती है, तो कभी दोस्त रह चुके देशों में दूरियां हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर आया। दरअसल लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि एलन मस्क भारत आने वाले हैं, लेकिन इसके बाद बताया गया कि मस्क अपनी कंपनी टेस्ला के अतिरिक्त भार के कारण भारत नहीं आ पाएंगे। हालांकि साल 2024 के अंत तक उन्होंने भारत आने की बात कही है। इन सब के बीच टेस्ला के मालिक अमेरिका के विरोधी कहे जाने वाले चीन पहुंचे। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि भारत को मना करके आखिरकार चीन क्यों पहुंचे एलन मस्क। साथ ही अपने विरोधी देश के उद्योगपति के साथ क्यों नजदीकियां बढ़ा रहा है चीन। आज के एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। किसी भी उद्योग की कोई राजनीतिक सीमा नहीं मानी जाती है, और दूसरे शब्दों में कहें तो सीमाओं को लांघ कर आगे बढ़ना ही उद्योग का विस्तार माना गया है, जो देनदार और लेनदार दोनों ही पक्षों के लिए हितकारी सिद्ध होता है। यही कारण है कि मौजूदा समय में राजनीतिक संबंधों से अधिक व्यापारिक संबंधों को तरजीह दी जाती है। चूंकि बीते दिनों अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क भारतीय दौरे को टाल कर औचक ही चीन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की। 25 अप्रैल से 5 मई तक होने वाले बीजिंग मोटर शो में अपने नवीनतम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही। एलन मस्क चीन में FSD यानी फुल सेल्फ ड्राइविंग को सक्षम करना चाहते हैं और अपने एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करने के लिए देश में जुटाए गए डेटा को विदेश में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, ताकि एल्गोरिदम ट्रेनिंग के साथ तैयार हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका संघ संबंधों का जिक्र किया और कहा कि अमेरिका चीन एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे, साथ ही देश में टेस्ला के संचालन को एक साथ काम करने का एक सफल उदाहरण बताया। इसी बीच चीन ने दावा किया कि वो अपनी बात पर कायम रहेगा और बाजार तक पहुंच बढ़ाने और सेवा गारंटी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि वर्तमान में फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड अमेरिका में चल रही है, लेकिन इसे चीन में लाया नहीं जा सका है। अमेरिका और चीन की तल्खी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों देश आर्थिक मोर्चे पर एक साथ आ रहे हैं, इसके पीछे की कई वजह सामने आई है। गौरतलब है कि चीन टेस्ला का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि चीनी ब्रांडों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इलेक्ट्रिक कार निर्माता सुस्त बिक्री से जूझ रहा है। साल की पहली तिमाही में टेस्ला की वाहन डिलीवरी में 8.5% की गिरावट आई, जिससे जुलाई 2023 के बाद से इसके स्टॉक मूल्य में 40% की गिरावट आई। कंपनी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2024 की पहली तिमाही में टेस्ला ने $1.1 बिलियन का मुनाफा दर्ज किया, जो बीते साल के मुनाफे $2.51 बिलियन से कम था। चीनी ऑटो दिग्गज BYD ने 2023 के आखिरी 3 महीनों में टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के पद से हटा दिया। मौजूदा परिस्थिति को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही पक्ष वर्तमान में एक दूसरे की सहायता से अपना हित साधने में जुटे हैं। वहीं इस वाकये में चीन का पक्ष देखें तो मालूम होता है कि वैश्विक स्तर पर चीन के व्यापारिक संबंध उतार चढ़ाव से भरे हुए हैं। दरअसल बीते दिनों रूस और चीन के व्यापारिक संबंधों में तल्खी नजर आई। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कई पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद रूस और चीन रणनीतिक स्तर के साथ साथ आर्थिक स्तर पर भी करीब आए और दोनों देशों के मध्य कारोबार में बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के मार्च में 2023 के मार्च की तुलना में रूस को किया गया चीन का निर्यात तकरीबन 16% घट गया है। साथ ही चीनी इलेक्ट्रिकल मशीनरी उपकरणों और पुर्जों की डायरेक्ट डिलीवरी 15% घट गई है। इसके अलावा चीन को रूस की ओर से किया जाने वाला कोयले का निर्यात 21% घट गया है।
गौरतलब है कि दिसंबर 2023 के बाद से ही चीन और रूस के बीच दिक्कत शुरू हुई है और यहाँ गौर करने वाली बात है कि यह वही समय है जब अमेरिका ने रूस को लेकर कड़े तेवर अपनाकर उस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों का असर चीन और रूस के रिश्तों पर बखूबी नजर आया। वैश्विक मसलों के जानकारों की माने तो विस्तारवाद की नीति से आगे बढ़ने वाला चीन इन दिनों अपना हित अमेरिका संग देख रहा है। अमेरिका के करीब जाकर चीन भारत रूस जैसे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने की कवायद में जुटा है। ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और चीन के रिश्तों में क्या मोड़ आएगा। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ईरान ने हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल का समर्थन करने के लिए कई अमेरिकी अधिकारियों और ब्रिटिश संस्थाओं पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। ईरान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में अमेरिकी सेना के उच्च अधिकारी शामिल हैं, जिनमें अमेरिकी विशेष अभियान कमान के कमांडर जनरल ब्रायन पी फेंटन और अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के पूर्व कमांडर वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर जैसे बड़े नाम हैं। इसके साथ ही ब्रिटिश अधिकारियों और संस्थाओं में रक्षा राज्य सचिव ग्रांट शॉप्स, ब्रिटिश सेना रणनीतिक कमान के कमांडर जेप्स होकेन हॉल और लाल सागर में यूके रॉयल नेवी पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऑकस साझेदारी में जल्द ही साउथ कोरिया की एंट्री हो सकती है। दरअसल दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री शिन वोन सिक ने कहा कि दक्षिण कोरिया तथा कथित ऑकस साझेदारी के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्नत सैन्य तकनीक साझा करने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का संक्षिप्त रूप है। वहीं ऑकस पिलर 2 के माध्यम से कई देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और हाइपरसोनिक सिस्टम सहित सुरक्षा प्रौद्योगिकियों की व्यापक श्रृंखला पर सहयोग में शामिल हो सकते हैं। दक्षिणी चीन सागर में चीन ने विमान वाहक पोत फुजियान का परीक्षण किया। यह चीन का सबसे उन्नत घरेलू युद्ध पोत माना जा रहा है। गौरतलब है कि जून 2022 में लॉन्च होने के बाद से फुजियान ने अपना मूरिंग परीक्षण, आउटफिटिंग कार्य और उपकरण समायोजन पूरा कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार फुजियान अमेरिकी विमान वाहक यूएसए गेराल्ड आर फोर्ड के समान विद्युत चुम्बकीय विमान प्रक्षेपण प्रणाली वाला पहला पूर्ण रूप से घरेलू स्तर पर विकसित और निर्मित विमान वाहक है। फुजियान का पूर्ण विस्थापन 80,000 टन से अधिक है, जो अन्य दो विमान वाहकों की तुलना में लगभग 20,000 टन अधिक है। तो व्यूवर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। चीन और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां भारत और पश्चिमी देशों के लिए नहीं है अच्छे संकेत, टिप्पणी करें। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।